वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुलाकात के दौरान मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाँच हजार 474 मीटर तक ड्रिल हो गया था। आखिरी के कुछ दिन रह गए, हफ्ता 8 दिन। क्या तेल और गैस का जखाना मिलने के करीब है? खुशखबरी सुनने को सभी हैं बेकरार। कराची के साहिल पर 5,474 मीटर तक ड्रिलिंग का काम मुकम्मल हो चुका। तकनीकी वजूहात पर 3 दिन काम रुकने के बाद दोबारा शुरू। वफाकी वजीर अली जेडी का कहना है कि प्रेशर सिग्नल मिला है। तेल की दरियाफ्त का तायुन 5,500 मीटर ड्रिलिंग पर होगा। हफ्ता 10 दिन तक हतमी नतायज सामने आ जाएंगे। IMF ने रुपए की कदर कम करने की हिदायत नहीं दी। करेंसी एक्सचेंज कंपनीज को हुकूमत की यकीन दहानी। वफ़ की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद रुपए की कदर बहाल हो गई। बोस्तान खान का कहना है कि हुकूमत को डॉलर बाहर ले जाने की हद 10,000 से कम करके 3,000 करने की तजवीज़ दे दी। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, मार्केट रेट से महंगा डॉलर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कोयटा के सैटेलाइट टाउन धमाके का एक और जख्मी पुलिस एहलकार चल बसा। पुलिस एहलकार अलीम खान सिविल अस्पताल में जेरे इलाज था। धमाके में शहीद होने वालों की तादाद 5 हो गई। शहबाज शरीफ ने बरतानिया में सियासी पनाह की अफवाहें मुस्तरद कर दी। कहते हैं वो तिब्बी मुआयने के लिए लंदन आए, उम्मीद है बजट से पहले वतन वापस लौट जाएंगे। अगर सियासी पनाह की कोई दरख्वास्त दी है तो सबूत लेकर आएं। अफवाहें फैलाकर कौम का वक्त जाया ना किया जाए। इमरान खान सर से पांव तक झूठ बोलते हैं। ईरान से बलूचिस्तान में बारिशों का नया सिलसिला दाखिल। लाहौर, कामुकी, शकरगढ़, नारोवाल, अटक समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। मौसम खुशगवार हो गया। कल तक मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में भी कल हल्की बारिश का इम्कान है।